यहाँ पे ये चिकन है, ये चीज़ है, ये कॉर्न है, ये सालसा है और नीचे फिर से चिकन दिया हुआ है। और देख रहे कितना सारा इसमें सामान है, इसको यहाँ पे कितना ज़्यादा चीज़ स्टफ किया है, मतलब चीज़ मतलब थिंग्स स्टफ किया गया। तो चीज़ तो है ही, सॉसेज है, कितना सारा वेजीज देखिए भर भर के डाला हुआ है इसमें। वाव के बगैर और क्या ही बोले हम, कोई ऑयल स्टेन्स कुछ नहीं है। अरे देखिए पीछे से पनीर निकल जा रहा है, जल्दी से खाएंगे। तो मैं ख़त्म करता हूँ एंड सी यू लेटर, सी यू लेटर नहीं, और एक डिश बाकी है तो इसको ख़त्म करता हूँ अभी। अगर आप जमशेदपुर से हैं और आपने मेक्सिकन फूड कभी ट्राई नहीं किया है, मेक्सिकन बोले तो टाकोस, बरीटोस, क्विसार्डियाज, बरीटो बोल्स, वेल मैंने तो कभी नहीं ट्राई किया है, तो इसीलिए आज मैं आया हूँ एक अमेजिंग से क्लाउड किचन में जो कि सोनारी में है, टू ट्राई ऑथेंटिक मेक्सिकन फूड। सो हे व्हाट्सअप गाइस, आई एम विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ फूडियो। यस सर, आज मैं आया हूँ सोनारी टू ट्राई द ऑथेंटिक मेक्सिकन फूड फ्रॉम द ब्लैंक बॉक्स। द नेम इज द ब्लैंक बॉक्स, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन टाउन, ऑफकोर्स इन जमशेदपुर में। मेक्सिकन फूड, ऑथेंटिक मेक्सिकन फूड आपको कहीं नहीं मिलता, दिस इज द ओनली प्लेस जो मेक्सिकन फूड प्रोवाइड करता है ऑथेंटिक वाला। सो देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड करता है वो लिखा हुआ है, टाकोस, बरीटोस, क्विसार्डियाज, नाचोस एंड बरीटो बोल्स। और पीछे यहाँ मेन्यू भी है, सो टाकोज है, बरीटोज है, मैक्स बोल है, एक्स्ट्राज भी है उसमें, देखिए ग्वाकामोल है, सालसा है, सिलेंट्रो राइस है, फिर नाचोज है, क्विसार्डियाज है। सो हम लोग कोशिश तो है कि सब कुछ ट्राई करें, बट ऑफकोर्स अगर नहीं खा पाए उतना, बिकॉज बरीटो बोल्स और बरीटो राइस फूड है, तो राइस फूड थोड़ा हैवी होता है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मेन्यू है वैसे तो बोले बरीटो मैक्स और बरीटो बोल और क्विसार्डी और टाकोज बनाने, सो वो आ जाए तो आपको दिखाते हैं। A few moments later. तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये हैं ऑथेंटिक टाको, तो जो आप डोमिनोज में खाएं वो इंडियनाइज्ड है, वो बनाया गया था कि आप लोग आराम से खा सकें। ये है एक्चुअल ऑथेंटिक टाकोज और आप देख रहे हैं कितना ज्यादा स्टफ्ड है, लाइक दो टाकोज में पूरा पेट, लाइक आई कैन बी फुल। और इसके बनाने का जो मैंने शॉर्ट्स लिया उसको भी आप एक बार देख लीजिए। टाकोस ये देखिए ऐसे, अब एक बार अंदर आप देख सकते हैं क्या है, देखो लेयर्स आप देख सकते हैं कितना सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे ये चिकन है, ये चीज़ है, ये कॉर्न है, ये सालसा है और नीचे फिर से चिकन दिया हुआ है। और देख रहे कितना सारा इसमें सामान है, इसको मैंने कोशिश करता हूँ खाने का, ऑब्वियसली थोड़ा सा डर है कि ये गिर ना जाए। जब हम सोचे थे मैक्सिकन खाएंगे, दिमाग में तो था कि ओके मैक्सिकन लेंगे खाएंगे, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मैक्सिकन इतना अच्छा होता है। आई जस्ट कैन नॉट, मेरे को और खाने का मन कर रहा था। ये देखिए आधा मैंने खा लिया है एंड ये बहुत अमेजिंग है। वैसे हम लोग का पहले प्लान था कि सारा खाना हम लोग क्या करते पैक करवा लेंगे, गाड़ी में बैठ के खाएंगे, बट मेरे को याद है कि गाड़ी में एक बार ट्राई किया था, लड्डू वाला वीडियो आप देखिए ऑब्वियसली अगर वो आ गया है तो। एंड द ओनर ऑल्सो सजेस्टेड कि खाना अभी खा लो, बाहर में खा लो क्योंकि अभी भी सनलाइट है, खा लो, मस्त है खाना। एंड जितना जल्दी आप खाओ उतना बेटर है, क्योंकि ये जो है इसको फ्राई किया गया है, सीधा वीडियोस मैंने दिखाया था आपको, ये भी अभी भी क्रिस्प है, नहीं तो ये ऐसे ऐसे हो जाता, अभी भी क्रिस्प है। तो हम क्या करते हैं बाकी को भी खत्म करते हैं एंड फिर और डिशेज आपको दिखाते हैं। Moments later. The next dish जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं ये रैप, जिसको बोलते हैं बरीटो, मैंने दिखाया तो ये रहा बरीटोस, जो दो रोल जैसा आप देख रहे हैं वो है बरीटो और साथ में है ग्वाकामोल, और दोनों ही चीज़ हम पहली बार ट्राई करने वाले हैं। तो ये
देखिए आप बोलिएगा कि ये रोल के अंदर राइस क्यों डाला हुआ है, बट मैक्सिकन फूड है ये। मैक्सिकन फूड जो बरीटो है, ऑथेंटिक बरीटो ऐसा ही होता है, उसमें राइस होता है, बीन्स होता है और चिकन पनीर स्टफ। वहाँ पे पनीर तो नहीं होता, वहाँ पे टोफू यूज़ होता है, यहाँ पनीर, ये पनीर वाला हम लोग लिए हैं। और कैसे ये बना है आप इसका भी थोड़ा शॉर्ट्स देख लीजिए और फिर इसको खा के दिखाते हैं। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू हैव दिस मैक्सिकन फूड जिसका नाम है बरीटो। बरीटो ये तो रैप है, इसको बरीटो बोलते हैं, और एक होता है बरीटो बोल, सेम चीज होता है विदाउट द रैप। ना ज्यादा सही है, मुंह में बस पानी आ रहा है, इतना सब फ्लेवर्स का बर्स्ट हो रहा है। एक सॉस जैसा होता है जिसको बोलते हैं सार क्रीम, वो थोड़ा सा खट्टा होता है, लेकिन वो एक चुटकी देने से जो टेस्ट होता है, डिप में डुबा के खा, हाँ रुक जा, उसका एक बूंद अगर हम खाए तो जो फ्लेवर का बर्स्ट होता है ना इसमें, तो ऐसे भी कॉर्न्स मेरे को बहुत सही लगता है। कॉर्न है, सिलेंट्रो है, पनीर है, ग्रेवी है, टोमेटो सालसा है, फिर एवोकाडोज है, और फिर इसमें ऑलिव है एंड हैलपिनोज भी है। एंड यस, काफी ज्यादा हेल्दी भी है, फ्राइड नहीं है ये, थोड़ा सा बस लो कैलोरी वगैरह, लो कैलोरी हीटेड अप है ये। आप देख सकते हैं इसमें कोई ऑयल स्टेन्स कुछ नहीं है, और ये देखिए पीछे से पनीर निकल जा रहा है, जल्दी से खाएंगे। और देखिए, और ये एकदम सॉगी भी नहीं है, जो रोल में जैसा नरम हो जाता है वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा क्रिस्प है, हल्का सा क्रिस्प फील आता है। बेस्ट ऑफ दैट। और ये साथ में जो था ग्वाकामोल, ये मैं उसके साथ खा नहीं पाया क्योंकि ऐसे उसका फ्लेवर इतना सही था, तो मैं ये भी खा के देखता हूँ। हेल्दी सैलड जो होता है, जो एवोकाडो से बना हुआ है, और देखिए इसमें एवोकाडो जो पीसेस आप देख रहे हैं ग्रीन, वो एवोकाडो है, फिर कैप्सिकम है, टमेटोज है, एंड ऑनियन है, एंड कोरिएंडर है, तो बहुत अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो क्या मैंने इन सबको ख़त्म करता हूँ और फिर नेक्स्ट डिश के साथ आपसे मिलता हूँ। वेल, तो ये देखिए आ गया एक और डिश जिसका नाम है क्विसार्डिया, या क्विसार्डिया जो भी आप बोलो। तो ये देखिए, ये बेसिकली जो टॉटिया है, जो इसके ऊपर रैप है, उसके अंदर बहुत सारा चीज़ स्टफ किया गया और फिर इसको कवर कर दिया गया है। देखिए आप इसमें चीज़ क्या ज़्यादा भरा हुआ, और देखिए कॉर्न, मतलब बोल सकते हैं इट्स लाइक मैक्सिकन पिज़्ज़ा जो ऊपर से कवर्ड है। पहले आप इसका देख लो कि कैसे बनाया गया है, फिर इसको हम खाते हैं, एंड फिर आप आगे वीडियो देखो। ये रहा, ये भी फॉर द फर्स्ट टाइम हम ट्राई करने वाले हैं, क्विसार्डिया ऑथेंटिक मैक्सिकन वाला। एक बार हम सामने से दिखा देते कि इसके अंदर क्या है। वैसे ये इट्स नॉट समथिंग कि दिखाने का, बट सी यहाँ पे कितना ज़्यादा चीज़ स्टफ किया है, मतलब चीज़, मतलब थिंग्स स्टफ किया गया, तो चीज़ तो है ही, सॉसेज है, कितना सारा वेजीज देखिए भर भर के डाला हुआ है इसमें। तो इसको बंद कर देते हैं, वैसे ये सब अंदर की बात है। तो और इसको मैं ट्राई करने वाला हूँ, जस्ट लाइक पराठा पिज्जा। ऑफकोर्स हम पराठा पिज्जा ट्राई किए नहीं है, वो भी ट्राई करेंगे। आप सोचेंगे कि हम जो भी खा रहे वही बोल रहे हैं अच्छा है, बट जेन्युइनली जो भी अभी तक ट्राई किया गजब था, गजब। ये वेज है, बट इसमें जितना कुछ डाला हुआ है भाई, कुछ भी खाओ
अंदर जाके फ्लेवर्स का बर्स्ट हो रहा, मुंह में इतना ज्यादा पानी, आई जस्ट कैनॉट स्टॉप, खत्म कर देता हूँ इसका। वाव के बगैर और क्या ही बोले हम, इतना इट्स लाइक अ कंफर्ट फूड, ऐसे खाओगे ऐसे पूरा आपके आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये नेक्स्ट वाला जो है क्विज आइडिया का नेक्स्ट हाफ, उसको मैं खत्म करता हूँ एंड सी यू लेटर, सी यू लेटर नहीं, और एक डिश बाकी है तो इसको खत्म करता हूँ। ये है हम लोगों का आखिरी डिश जो है द बरीटो बोल, जो नॉर्मल वाला था जो होता है बरीटो, वो तो आप देखे, ये है बरीटो बोल जो बोल में सर्व किया जाता है विद सेम स्टफिंग्स, मतलब जो स्टफिंग्स रैप में था वैसे ही सेम स्टफिंग्स होता है, बस ये राइस के साथ खाया जाता है। सो इसको मैं खोल लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर में कितना सारा इंग्रेडिएंट्स है, ये आप देखिए, ये बेल पेपर्स है, कलरफुल बेल पेपर्स फ्राइड है, ये चिकन पूरा तंदूरी फ्राइड है, ये है ब्लैक बीन्स, ये है सालसा, ये लेमन दिया हुआ, और ये है मेन चीज़ जो सार क्रीम है जो मैं पहले बोला था, जो कितना अमेजिंग। हाँ मज़ा आ गया, एक भाई एक चिकन भी मैं करता हूँ, खाता हूँ, परफेक्ट। ये मैं इसके ऊपर ना लेमन स्क्वीज कर देता हूँ, अब ना मैं इसको मिक्स कर देता हूँ थोड़ा। नीचे राइस है वो देखा, ओ हाँ, और नीचे ना अब देखिए नीचे राइस है, देखिए जो सिलेंड्रो राइस है, काफी ज्यादा अमेजिंग। आप देखिए साइज भी देखिए आप, और अब देख रहे क्वांटिटी कितना गजब है कि ये आप बस एक मंगा लो आपका पेट भरना ही है। एंड प्राइसेस तो मैंने मेंशन कर दिया है, अब देखिए प्राइसेस भी उतना ज्यादा है नहीं, क्वाइट अफोर्डेबल और टोटली वर्थ द प्राइस, बहुत ज्यादा ही गजब है। एंड आई विल सीरियसली सजेस्ट कि आप ये जाके ट्राई करो, बहुत ही अमेजिंग चीज है ये। ये नहीं और भी जो भी डिशेज है सारे बहुत ही सेक्सी है टेस्ट के हिसाब से, मुंह में इतना पानी आ रहा है जस्ट कांट वेट, मेरे को ये खत्म करना है। एंड आप एक बार देख लो कि ये कैसे बना है। खाना पूरा खत्म करता हूं एंड सी यू लेट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माय कंटेंट डू लाइक शेयर कमेंट, आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या पसंद है, क्या डिश आप कहां चाहते हैं कि मैं जाऊं, कोई नया जगह आपको पता है जमशेदपुर में। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, आप नए हैं या कोई रीजन आप सब्सक्राइब नहीं किए, डू सब्सक्राइब एंड जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, तो क्या होगा कि मेरा जब भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। सो इसको मैं करता हूं खत्म and see you later in the next video. Bye-bye. Take care.